गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। स्टेटमेंट क्या है, क्लासिफाई एज रेशनल और इरेशनल, यानी कि हमें क्या करना है, रेशनल या इरेशनल के बीच में इनको डिफाइन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग करना है कि इनमें से कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल होते क्या हैं। तो इसका बेसिक आपको मैं बता देता हूँ दोबारा कि जो रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो आपके क्या थे, रेशनल नंबर थे, ये क्या थे, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। साथ ही साथ इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ऐसे नंबर जिनमें अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, उन नंबर्स को भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका डिवाइड सिर्फ खुद में जाता है। जैसे कि मैं आपको यह कह दूं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ध्यान रखना मैंने 9 नहीं लिखा बीच में, ठीक है ना। 9 के फैक्टर हो सकते हैं, 9 के फैक्टर क्या हैं, 3 × 3, लेकिन ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं इनके कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 को क्या लिखोगे, 2 × 1, यानी कि फैक्टर में ओनली 1 आएगा, ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर करने पे सिर्फ वो खुद आए और 1 आए, उन नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके आगे एग्जाम्पल अगर हम देखें, 11 के बाद 13 लिख सकते हैं, 15 नहीं लिख सकते, ध्यान रखना 15 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 15 के फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, 3 × 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो फैक्टर्स अगर बन रहे हैं, जैसे 15 के फैक्टर 3 और 5 बन गए, तो 15 के अलावा बन गए ना वो, जैसे 17 है, 17 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 17 × 1, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर अगर रूट के अंदर आ जाएं तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल, ठीक है। तो हमें ये 5 पार्ट इसके दिए हुए हैं क्वेश्चन के, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से रेशनल हैं और कौन से इरेशनल। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, देखिए क्या दे रखा है हमें, 2 − √5 ये दे रखा है। तो आप ये देखिए, 5 क्या है, प्राइम नंबर, मैंने आपको अभी बताया, और रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये जो 2 है ये तो क्या है, रेशनल, लेकिन ये क्या है, इरेशनल। तो इनका जो मिक्सचर बनेगा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, इरेशनल नंबर के साथ मैं किसी चीज को प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, कुछ भी करूं, तो जो नंबर बनेगा ना लास्ट में वो इरेशनल होगा, यानी कि ये रेशनल है और ये इरेशनल है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एज ए रिजल्ट ये क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। समझ में आ रही है बात, यानी कि आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर एक भी इरेशनल नंबर आपको दिख गया तो आप उसको क्या बोलोगे, पूरे के पूरे को इरेशनल, ठीक है ना। रेशनल के साथ इरेशनल का कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, वो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद भी जो रिजल्ट उसका बचता है वो इरेशनल बचता है, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, यहां दे रखा है हमें 3 + √23 − √23। अब 23 के फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, 23 के फैक्टर्स नहीं हो सकते, यानी कि ये क्या है, प्राइम नंबर। लेकिन इसको हम आगे सॉल्व करके देखते हैं कि ये 23 लास्ट तक चलेगा या नहीं चलेगा। देखो मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया, ये 23 प्लस का है, ये 23 माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। यहां ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था, यहां ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, 3। अब जो 3 है वो क्या है, 3/1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसके डिवाइड में 1 लगा सकते हैं। ये क्या बन गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गया, और इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, फिर रेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। फिर हम थर्ड पार्ट की बात करें, देखिए ये 2 √7 / 7 √7 है, तो √7 से √7 आपका कैंसिल हो रहा है, सेम चीज़ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपकी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, और बचेगा क्या, 2/7 बचेगा। ये जो 2/7 है, क्या ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, इस नंबर को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, फोर्थ पार्ट आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है कि अपॉन में क्या आ रहा है, √2। √2 क्या है,
टू जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ध्यान रखना ये p अपॉन q की फॉर्म में तो है, ये p अपॉन q की फॉर्म में तो है, यानी कि अगर आप p अपॉन q को नोट करोगे, उसको नोटिस करोगे, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बताया अंडर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अगर ये इरेशनल है तो ये पूरा का पूरा डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करोगे लास्ट में रिजल्ट क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसको अगर आपको कोई रीजन पूछ ले कि वाई दिस इज इरेशनल, तो आप बता सकते हो बिकॉज अंडर रूट टू इज इरेशनल इटसेल्फ एंड द रिजल्टेंट ऑफ वन अपॉन इरेशनल नंबर, यानी कि वन के डिवाइड में अगर कोई भी इरेशनल नंबर होगा तो उसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। फिर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें, टू इंटू पाई। पाई जो होता है वो अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की दो वैल्यूज होती हैं, पाई की दो वैल्यूज होती हैं। पाई की वैल्यू एक तो 22/7 है और एक 3.14 है, ठीक है ना। ये 22/7 जो है ये तो है p अपॉन q की फॉर्म में, लेकिन 3.14 यानी कि इसको सॉल्व करूं डिवाइड की फॉर्म में, अगर आप 22 में 7 का डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 3.14। लेकिन ये 3.14 पूरा नहीं होगा, 3.14 के बाद लगातार चलता जाएगा कहीं ना कहीं तक, ठीक है ना। तो ये जो पाई है ये आपको वैसे भी याद रखना है कि पाई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। तो 2 इंटू इरेशनल नंबर क्या बनेगा, रिजल्ट क्या बनेगा भाई, रिजल्ट बनेगा इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें हमें ये नॉलेज मिलती है कि कौन से नंबर रेशनल होते हैं और कौन से जो नंबर हैं वो इरेशनल होते हैं, ठीक है।